पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी अपडेट आपको बता दें, आगरा बस हाईजैक मामले में बड़ा बयान सामने आया है। बस यात्रियों तक पहुंची आगरा पुलिस। एसएसपी ने कहा यात्रियों से पुलिस ने बात की और सभी यात्री सुरक्षित हैं। झांसी के पास यात्री मिले हैं। एसपी एसपी सिटी पास सीओ और 8 थाना के अध्यक्षों को इसके लिए लगाया गया था। तो आगरा में फाइनेंस कंपनी द्वारा सवारियों से भरी बस को जबरन ले जाने का मामला सामने आया और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इस बस में सवार सभी 34 यात्री सकुशल झांसी लौट आए हैं। वहां से सभी अलग अलग माध्यम से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। यात्री झांसी से मध्य प्रदेश की सीमा में भी सकुशल पहुंच चुके हैं। इससे पहले अगवा बस के सभी 34 यात्रियों को बालाजी ट्रेवल्स कंपनी की एक बस से झांसी भेजने की बात सामने आई थी। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार मामले में डीएम आगरा और एसएसपी को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम और एसएसपी से मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सभी यात्री झांसी लौट आए और झांसी से अलग अलग माध्यम से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। 34 यात्री उस बस में सवार थे जिसे हाईजैक किया गया था। सवारियों से भरी बस को हाईजैक कर दिया गया था क्योंकि फाइनेंस कर्मचारी ने बस को बंधक बनाया, क्योंकि बस जिस पर फाइनेंस कर्मचारी का पैसा बकाया था उसके ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी, तो अपने पैसे को वापस पाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। आगरा बस हाईजैक मामले में बस कंडक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। चले थे, मैं तो कितना ढाबा है, खाना खाया कुर्सी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चला के गए। भाई मैं जाता हूँ फिर साथ और ये टोल टैक्स है कहीं वहाँ पे। हाँ टोल टैक्स है। हाँ वहाँ पे आगे की बात बता रहे। क्या हुआ फिर वहाँ पर? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको मोबाइल वाली इनका ड्राइवर साहब मैं हो रहा था, सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को से गाड़ी मिलेगी। कितने लोग थे वो? हमें जो ले गए वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार हमें नहीं दिखे। मुंह खुले थे बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में? क्या बातें कर रहे थे आपस में? ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, किस तरह का कहीं किसी को पता नहीं लोग आपको हमको। अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, भैया इस साइड कहीं पर ले गए भाई काफ़ी देर दिया। जो सवारी थी बस थी उन्हें कहाँ ले गए कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और दो थी उनकी, एक गाड़ी और बस उनकी। एक गाड़ी और थी? हाँ दो गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं, ये इसका नंबर है हमारे पास। नागेंद्र त्यागी हमारे सहयोगी आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस पूरे मामले में जो बस हाईजैक हुई, जो यात्री हैं वो सुरक्षित अब अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास जानना चाहेंगे? अगवा कर दिया, जिस तरीके से अगवा किया गया, इस तरीके से बड़ी
झांसी समाज सहयोगी कुलदीप अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आगरा से जो बस हाईजैक हुई उसे झांसी तक लाया गया और झांसी में जो बस में यात्री सवार थे उनको छोड़ा गया, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है कुलदीप, जानना चाहेंगे आपसे। यात्री को लाया गया, उसके बाद से झांसी के सारे बॉर्डर सील करा दिए गए। यहाँ पर पुलिस अलर्ट मोड पे आ गया था। अभी इस वक्त की झांसी सारे लोग रिपोर्टिंग चौकी है, यहाँ पे सारे लोग अंदर बैठ के पूरी बातचीत कर रहे हैं, पूरी मंत्रणा हो रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम कब शुरू हुआ जब आगरा की सूचना मिली कि झांसी के पास से उस चौथे यात्री मिले हैं। अब लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पुष्टि तक नहीं हो पाई है कि यहाँ पर यात्री, हालांकि ये सामने आ रहा है कि यात्री सारे सुरक्षित हैं। पूरे लिहाज से पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से गंभीरता से झांसी सीएम आंध्रा बाम की कुमार प्रभु इन लोगों ने लिया और जिसके बाद से यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर पूरे झांसी है और इस वक्त यहाँ पर पूरे बॉर्डर है तो सील किए जाते हैं। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। बड़ा बयान सामने आया और एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो सवारी थी वहां पर मौजूद उनको झांसी पहुंचाया गया और झांसी पहुंचने के बाद से वो सब अलग अलग माध्यमों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आगरा बस हाईजैक मामले में जब लोग रवाना हुए उसके बाद एसएसपी और तमाम लोगों का बयान सामने आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए ये कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी है इसमें, बस अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। बस को फाइनेंस कंपनी के वो शख्स जिन्होंने हाईजैक किया था वो बस को उठाकर ले गए हैं और ये पूरा मामला बस की किश्तों से जुड़ा हुआ है, जो किश्तें वापस नहीं की गई थी, जो किश्तें पे नहीं की गई थी और जिनको क्लियर नहीं किया गया था, उसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि बस की कम से कम 8 किश्तें ऐसी थी जो नहीं चुकाई गई थी और उसके बीच बस का जो ड्राइवर था उसकी मौत भी हो गई और किश्तें जो नहीं चुका पाए वो, उसके बदले में बस को हाईजैक किया गया और बस को हाईजैक किया गया जिसमें 34 यात्री सवार थे। बस को आगरा से हाईजैक करके झांसी तक लाया गया, झांसी में जो यात्री थे उनको छोड़ा गया, झांसी से वो यात्री अलग अलग माध्यमों से अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि जितने यात्री थे 34 यात्री वो पूरी तरह सुरक्षित है और बस की तलाश की जा रही है जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके।